पहली खबर राजनांदगांव से, जहां बंदरों के उत्पात से तंग आकर ग्रामीणों ने बंदरों को एयरगन से मरवा डाला। ग्रामीणों ने शिकारियों को 8,000 रुपए देकर बंदरों पर गोली चलवाई। यह मामला लालबाग थाना के रिंगा खेरा का है। अगली खबर बलगा बाजार से, जहां आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लगाते सटोरिए आकाश वाधवानी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। भाटापारा शहर का यह मामला है, जहां आरोपी से 1,10,000 रुपए नकद, मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया गया। अगली खबर कांकेर से, जहां शहर में भालुओं का आतंक देखने को मिला। भोजन पानी की तलाश में 3 भालू रिहायशी इलाके में पहुंच आए। इन भालुओं को देखकर लोग शोर मचाने लगे। इतना ही नहीं, ये भालू बाउंड्री वॉल के गेट को किसी इंसान की तरह लांघते नजर आए। अगली खबर कवर्धा से, जहां खोक नदी में बाढ़ का पानी काफ़ी बढ़ गया, जिससे गाँव में लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वहीं इस गाँव में पुल की मांग भी पूरी नहीं की जा रही है। यह मामला बोडला ब्लॉक के बोइर कचरा गांव का है। अगली खबर सरगुजा से, जहां ममता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां मां की रजामंदी से उसके प्रेमी द्वारा 20 वर्षीय बच्ची से पिछले 5 साल से छेड़छाड़ किया जा रहा था। जहां इस मामले में विश्रामपुर थाने में बच्ची की शिकायत पर कार्यवाही नहीं होने पर अंबिकापुर के पार्षद सतीश बारी द्वारा जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंहदेव से शिकायत के बाद अंबिकापुर महिला थाने में बच्ची की शिकायत दर्ज कराई गई। साथ ही सूरजपुर पुलिस को FIR भेजा गया। पिछले 2 सप्ताह से एक बच्ची मेरे घर के अगल बगल भटक रही थी। मेरे द्वारा उससे पूछा गया कि बच्चा तुम इतना काहे परेशान हो, तो उसने अपनी जब आप बीती बताई तो निश्चित रूप से मानवता शर्मसार हो गई और कहीं ना कहीं हमको लगा कि इस बच्ची का मदद करना अति आवश्यक है। उसके साथ जो बीती है उसको मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। बच्ची सूरजपुर की रहने वाली है। उसके पिता की मृत्यु आज से 2 साल पहले हो गई थी। उसकी माता का किसी से अवैध संबंध था, हरिद्वार पांडे नाम के किसी व्यक्ति से। हरिद्वार पांडे इसकी माता के साथ अवैध संबंध तो बनाता ही था, साथ ही साथ इनके जो उस महिला के 2 बच्चे थे, एक का उम्र 15 साल है, एक का उम्र 18 साल है, इन दोनों बच्चियों के साथ लगातार 3-4 वर्षों से शोषण अत्याचार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करता है। और इस बच्ची की मदद के लिए हम लोग महिला थाने के TI से भी बात किए और हम लोग उनसे बात किए कि आपके द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो आज 2 सप्ताह के बाद कार्रवाई की जा रही है। 0 कायमी करके उनको बोल रहे हैं कि सूरजपुर भेजेंगे, इस बच्ची के साथ न्याय हो, हमारा ये मांग है। धन्यवाद। अगली खबर बलरामपुर के शंकरगढ़ ब्लॉक के दुर्गापुर से, जहां एक शासकीय माध्यमिक स्कूल में लगे पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। जहां एक शिक्षक के सह पर ठेकेदार द्वारा लिप्टस के पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। अगली खबर अंबिकापुर से, जहां अमृत मिशन योजना के तहत आपसी जोन पार्क में बनाए मुख्य पानी टंकी से पानी का ओवरफ्लो शुरू हो गया, जिससे स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों की शिकायत मिलते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और इसका निरीक्षण किया। अगली खबर बिलासपुर के सिरगिट्टी से, जहां झाड़फूक के नाम पर ढोंगी बाबा द्वारा युवती से छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोपी बाबा द्वारा घर में भूत प्रेत का निवास है, ऐसा बोलकर युवती से गलत कार्य करने का प्रयास किया गया था। युवती की शिकायत पर ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर नया रायपुर से, जहां शहीदों के परिजनों की मांग पर DGP DM अवस्थी ने तत्काल स्थानांतरण आदेश और आवास आवंटित किया। पुलिस शहीद स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर शहीदों के परिजनों से मिले DGP। अगली और अंतिम खबर रायपुर से, जहां स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने पत्रकार वार्ता किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, प्रदेश में कोरोना की स्थिति अभी लगभग 2500 के करीब, साथ ही रोजाना लगभग 20,000 से 25,000 तक टेस्टिंग हो रही है। अब शहरी क्षेत्रों से हटकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी केसेस आ रहे हैं। उन्होंने कहा, हम एक बार फिर सर्वे की ओर बढ़ रहे हैं। मितानिनों के माध्यम से हर घर जाने की प्रक्रिया चलती रहेगी। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट का भी टेंडर हो गया है और 4 हफ्ते में यह शुरू हो जाएगा।